हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एक्सेल टू पावर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, एक्सेल टू पावर एकेडमी आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आ रहा है जो कि होगी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल पे। जी हाँ, अब कवर पेज देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस टूल के बारे में बात कर रहे हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर वन BI टूल राइट नाउ, विच इज पावर BI। और हाँ, ये नंबर वन की पोजिशन मैंने नहीं दी है उसे गाइस, ये दी है वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड रिसर्च फर्म गार्टनर। गार्टनर हर साल एक मैजिकल क्वाड्रेंट रिलीज करती है रिलेटेड टू द BI टूल्स, जिसके अंदर आपके और भी BI टूल्स की रैंकिंग होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द गार्टनर लेटेस्ट रिसर्च फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, पावर BI इज द नंबर वन BI टूल इन द मार्केट। सो फ्रेंड्स, एज दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, वी विल टॉक अबाउट द एंटायर इंटरफेस ऑफ द पावर BI। सो विदाउट एनी डिले, let's get started. फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, दैट्स हाउ द पावर BI लुक्स लाइक। जैसे ही आप अपने सिस्टम पे पावर BI के टूल को लॉन्च करेंगे या उसे ओपन करेंगे, आपके पास एक ब्लैंक पेपर, एक बिल्कुल ही एक व्हाइट बोर्ड काइंड ऑफ शीट ओपन हो जाएगी, जो कि बेसिकली इसका कैनवस होता है, या फिर मैं कहूँ कि इसका एक होम पेज है जिस पे हम लोग सारा काम करते हैं। द एंटायर पेज, इसका पूरा का जो पूरा पेज है वो बेसिकली इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द टॉप पैनल, द सेकेंड वन इज राइट पैनल, एंड द थर्ड वन इज द लेफ्ट पैनल। जो इसका टॉप पैनल है वो तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमें बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा हमारे पास एक्सेल में या फिर बाकी टूल्स में होता है। आपके पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं जिसके अंदर कुछ कमांड्स हैं जिसका यूज करके आप पावर BI के अंदर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि होम के अंदर आपको कुछ अलग अलग तरीके के टैब्स दिखेंगे, कुछ फीचर्स दिखेंगे। इफ आई मूव फ्रॉम होम टू इंसर्ट, दिस फीचर्स विल चेंज। ऐसे ही मॉडलिंग है, व्यू है, हेल्प है। जैसे हमारे बाकी डेटा एनालिटिकल टूल्स में या फिर बाकी डिफरेंट टूल्स के अंदर होता है, दिस इज बेसिकली द रिबन ऑफ द पावर BI थ्रू विच यू कैन नेविगेट द डिफरेंट आई वुड से द एप्लीकेशंस और द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। द सेकंड पैनल इज बेसिकली द राइट पैनल ऑफ इट, जहाँ पे आपको अगेन 3 डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, फील्ड, विजुअलाइजेशन एंड द फिल्टर्स। एंड द लेफ्ट में, अगर हम लोग लेफ्ट के पैनल में देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डिफरेंट एक छोटे से आइकन्स बने हुए हैं। अगर हम लोग पहले आइकन को ध्यान से देखें तो हमें एक कॉलम चार्ट की तरह दिखाई दे रहा है कुछ। द सेकंड वन इज लुक्स लाइक अ ग्रिड, और वी कैन से दैट इट्स मोर काइंड ऑफ अ टेबल। जो तीसरा है वो भी किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप चार्ट दिखाई दे रहा है, राइट। सो We will go into deep of this right panel and left panel की किस टैब के अंदर क्या है और कैसे इसका यूज होता है। Starting from the right panel, सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है फील्ड का। Now, अगर मैं इस छोटे वाले एरो पे क्लिक करूंगा तो आई कैन सिंपली एक्सपेंड दिस पर्टिकुलर पैनल। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी इस टूल के अंदर, या मैं कहूंगा कि इस पावर BI रिपोर्ट के अंदर कुछ डेटा अपना डाला हुआ था। जो भी डेटा आप इस टूल के अंदर, इस पावर BI डेस्कटॉप के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसको इंजेक्ट करवाते हैं, वो सारा का सारा डेटा या डिफरेंट टेबल्स के अंदर आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ कस्टमर्स की लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं। देन I have my product categories, my product subcategories, products की list, return, territory, sales का data और some tests जो मैंने खुद create करा हुआ था। जो भी data आप अपने बाहर से, अपने external resources से import करते हैं, वो आपको यहाँ पे different tables के अंदर इस field column में दिखाई दे जाता है। The second panel जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, this is known as the visualizations। जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पावर BI क्या है, इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, इट्स अ विजुअलाइजेशन टूल, ताकि आप अपने डेटा को डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशंस में डाल सके और उसको एनालाइज कर सके। वो विजुअल्स हमें कहाँ से मिलेंगे?
वो विजुअल्स आपको इस टैब्स में भी मिलेंगे। जैसे ही आप इस पर एक्सपेंड करेंगे, यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आपको विजुअलाइजेशंस दी हुई हैं, और साथ में ही ये अगर आप इस फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हर विजुअलाइजेशन का फीचर्स मिल जाएंगे। इफ आई गो थ्रू और आई फील इफ आई गो बाय वन विजुअलाइजेशंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टैक्ड बार है, अगेन वी हैव दिस स्टैक्ड कॉलम चार्ट, वी हैव पाई चार्ट्स, हमारे पास स्कैटर डायग्राम है, देन वी हैव मेनी अदर डायग्राम्स और आई वुड से दी चार्ट्स व्हिच यू कैन यूज टू विजुअलाइज योर डेटा इन अ डिफरेंट वे। द थर्ड पैनल टुवर्ड्स योर राइट इज नोन एज द फिल्टर्स। ये फिल्टर्स क्या काम करता है? फिल्टर्स आपका बेसिकली तीन तरीके से और आई वुड से दी तीन लेवल पे काम करता है। एक, जो विजुअलाइजेशन आप अपने डेटा में यहाँ पे रख के यूज करेंगे उस पे, एक इस पर्टिकुलर पेज पे, और एक जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं उस पूरी रिपोर्ट पे। आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट यू नो इन अ फर्स्ट गो, बट यस, जब हम अपनी डैशबोर्ड्स बनाने स्टार्ट करेंगे और डेटा को विजुअलाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्टर किस काम आते हैं। दिस इज द एंटायर राइट पैनल जहाँ पे आपको तीन तरीके की ऑप्शंस मिल रहे हैं विच यू कैन एक्सप्लोर। फील्ड्स फॉर टू सी दी डेटा, विजुअलाइजेशन टू कन्वर्ट दिस डेटा इन टू विजुअलाइजेशन, और दी चार्ट एंड द फिल्टर्स विच विल डिपेंड ऑन कि आपका डेटा किस हिसाब से किस तरीके से फिल्टर होगा। राइट, नाउ कम्स टू द लेफ्ट पैनल। लेफ्ट पैनल में आप देखेंगे यहाँ पे अगेन वी हैव थ्री डिफरेंट ऑप्शंस। वन इज द कॉलम काइंड ऑफ आइकन, द टेबल, द रिलेशनशिप। जो पहला वाला है ये हमारा कहलाता है रिपोर्ट। दिस इज द रिपोर्ट, जो भी डैशबोर्ड, जो भी काम, जो भी चार्ट्स, विजुअलाइजेशंस आप बनाते हैं वो सारा का सारा हम रिपोर्ट पे बनाते हैं। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक सेल्स का डेटा है, मैंने इस पर क्लिक करा एंड आई हैव माई रेवेन्यू हेयर। मैं इस रेवेन्यू को सिंपल यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक ऑटोमेटिकली चार्ट आ चुका है, और वो यहाँ जो भी ये चार्ट आप यहाँ पर शो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस सम अदर चार्ट और वो उस चार्ट के अंदर आपका विजुअलाइजेशन चेंज कर देगा। दैट हाउ इट वर्क्स, राइट फ्रेंड्स। तो जो भी काम, जो भी विजुअलाइजेशन आपकी हो रही है वो आपकी इस रिपोर्ट टैब के अंदर होती है। द सेकेंड टैब विच लुक्स लाइक अ टेबल और अ ग्रिड इज बेसिकली टू शो योर ऑल द डेटा इन डिटेल। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास फील्ड्स की एक एक पैनल था हमारा रिपोर्ट, तो फील्ड्स का जो आपको पैनल है वो आपको यहाँ पे डेटा के अंदर भी दिखाई देता है। अब जो भी डेटा या जो भी एक्सेल फाइल या जिस भी तरीके का टेबल आप अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में लेकर आए हैं, अगर आपको उसको डिटेल देखने के उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, किस तरीके की वैल्यूज डली हुई हैं, इट्स वेरी इजी। आप उस टेबल पे क्लिक करिए यहाँ पे, आप उससे रिलेटेड उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो आप यहाँ पे बड़े ही इजिली देख सकते हैं। तो इट्स लुक लाइक योर एक्सेल शीट। जैसे एक्सेल शीट के अंदर हम लोगों को डेटा दिखाई देता है, अगर वही डेटा मुझे देखना है तो आई कैन व्यू इट अंडर माई डेटा। थर्ड टैब इज द रिलेशनशिप टैब और वी कैन से इट्स अ डेटा मॉडलिंग टैब। अब डेटा मॉडलिंग आप में से बहुत लोगों की एक न्यू टर्मिनोलॉजी होगी, एक न्यू कॉन्सेप्ट होगा। तो डेटा मॉडलिंग कहने को वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, बट इट्स वेरी इजी अगर आपको उसके बेसिक समझ में आ जाए। डेटा मॉडलिंग क्या करता है, जो भी डेटा आप अपने इस पर्टिकुलर टूल के अंदर लेकर आए हैं, यू नीड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक छोटा सा एक मॉडल बनाया हुआ है विच शोज कि मेरे पास किस किस तरीके का डेटा है, उनके कॉलम्स के नाम, और उनके अंदर आप देख सकते हैं लाइन सी ड्रॉ हुई हुई है हर एक टेबल के बीच में। अब ये लाइन क्या है फ्रेंड्स, दिस लाइन इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन वन टेबल एंड दी अनदर। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल है कैलेंडर के नाम से जिसके अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स का डेटा है, जैसे डेट है, डे है, मंथ है, ईयर है, और एक डेटा और है हमारे पास, या फिर मैं कहूँगा एक टेबल और है जिसके अंदर हमारा सेल्स का डेटा पड़ा हुआ है विच इज माई सेल्स फैक्ट। इसके अंदर भी हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनके यहाँ पे कॉलम हेडर्स आपको दिए हुए हैं।
नाउ मैं चाहता हूं कि इन दोनों टेबल के अंदर किसी तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। अगर मैं इस लाइन पे, जो लाइन मेरी यहां से उस टेबल में पास हो रही है, फैक्ट जस्ट यू नो जस्ट होवर माय माउस ओवर इट, तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे दो डिफरेंट कॉलम्स दोनों टेबल में हाईलाइट हो गए हैं, विच शोज दैट वी हैव डेवलप्ड वन स्मॉल रिलेशनशिप बिटवीन द कैलेंडर डेट कॉलम एंड सेल्स फैक्ट ऑर्डर डेट कॉलम। तो दैट्स हाउ यू बिल्ड द डेटा मॉडलिंग ओवर दिस टैब। अगेन फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दैट वी हैव डिस्कस थ्री काइंड ऑफ पैनल्स इन द एंटायर पावर बी आई डेस्कटॉप। माई टॉप पैनल विच इज काइंड ऑफ अ रिबन विच विल प्रोवाइड यू ऑल द फीचर्स ऑफ द पावर बी आई। द राइट पैनल विच हैव अगेन थ्री डिफरेंट ऑप्शन फील्ड टू गेट माई डेटा, विजुअलाइजेशन टू कन्वर्ट दिस डेटा इन टू विजुअल्स, एंड टू फिल्टर आउट द डेटा वी हैव द फिल्टर ऑप्शन। द लेफ्ट पैनल वी हैव थ्री डिफरेंट आइकन्स। द फर्स्ट वन इज द रिपोर्ट वेयर यू बिल्ड योर डैशबोर्ड और द एंटायर रिपोर्ट। द सेकेंड ऑप्शन इज द डेटा वेयर यू कैन सी द एक्सेल फाइल और द डेटा इन अ टेबलर फॉर्मेट। एंड द थर्ड वन इज द रिलेशनशिप और द डेटा मॉडलिंग टैब। तो गाइज ये है आज की वीडियो का पूरा रिव्यू, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा जो इंटरफेस है पावर बीआई का वो लगता दिखता है, और उस हर एक आइकन को या हर एक ऑप्शन को हम लोग कैसे देख सकते हैं और उसको क्या बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव इनफ एंड यू मस्ट हैव गेन एंड लर्न समथिंग न्यू टुडे। फॉर मोर सर वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट दी लाइक बटन अलॉन्ग विद दी बेल आइकन, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो लॉन्च हो आप उसको सबसे पहले देख सकें। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बाय कमेंटिंग बिलो ऑन इट। वी विल अगेन कम बैक विद न्यू वीडियो नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय।